अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भुना चिकन मसाला की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए तो फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये हमने ले ली है 2 बड़े साइज़ की प्याज, जिसको हमने स्लाइस में कट कर लिया था। 3 हरी मिर्चें, मैंने लाल भी ली हैं, आप चाहे तो सिर्फ हरी मिर्च ले सकते हैं। 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने कट कर लिया था। और ये 8 से 10 लहसुन की कलियां। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून से कम गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये थोड़ी कम ही है। 900 ग्राम चिकन ले लिया है और ये 1/4 कप तेल लिया है और नमक स्वाद अनुसार। इन सारी चीज़ों को हम मिक्सर जार में डाल के पेस्ट बना लेंगे। अच्छी तरह से पेस्ट बनाना है, एकदम बारीक, मोटा नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें डालेंगे चिकन और सारे मसाले डाल देंगे। नमक भी डालेंगे। अब ये लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे और इसको हम रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। आप चाहे तो इसको ज़्यादा देर रख सकते हैं, जब ज़्यादा देर रखने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे तेल। तेल को खूब अच्छी तरह से गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे ये हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन और अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। और अब 2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तेज़ आंच पर। ध्यान रखिए, अभी तक हम इसे तेज़ आंच में ही पका रहे हैं। अब इसको पलट देंगे। अब इसको ढक देंगे और हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए पकाएंगे। पंद्रह मिनट के बाद अब हम ढक्कन हटाएंगे और इसको एक बार चला देंगे। अच्छी तरह से चलाएं। अब इसको हम दोबारा ढकेंगे और स्लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। 8 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे और इसको लगातार चलाते हुए खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। गैस हम फिर से तेज़ कर देंगे और खूब अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अब हमारा चिकन अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई अदरक, कटे हुए हरे धनिए और कटी हुई हरी मिर्च। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और
गैस बंद कर देंगे। ये हमारा चिकन भुना मसाला एकदम तैयार है। हमने इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें अनियन रिंग्स और हरे धनिए, हरी मिर्चे और अदरक से गार्निश कर लेंगे। ये एकदम तैयार हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।